ये कोई नया स्टूडियो नहीं लिया मैंने, ये सब आप एआई की मदद से कर सकते हैं, और ये भी और ये भी और ये भी, और आप भी कर सकते हो ये सब कुछ, चाहे आपके पास कंप्यूटर है या नहीं, मोबाइल में भी हो जाएगा ये सब। और इसके साथ मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आपके सैकड़ों घंटे बच जाएंगे शूट और एडिटिंग के। सबसे पहले तो आप अपना बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लो। देखो वैसे तो आप कहीं पर भी शूट कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा सिंपल बैकग्राउंड आपका हो। उसके बाद पूरी वीडियो को अपना शूट कर लो ट्राइपॉड पे लगा के अपने मोबाइल कैमरा को, और कोशिश करना कि फ्रेम के अंदर ज्यादा हिलना डुलना नहीं है। अब अगर मैं स्टेबल नहीं रहूंगा इस तरीके से और हाथ बाहर निकालूंगा तो हाथ कट जाएंगे दोनों, क्योंकि फ्रेम जो है मेरा फ्रेम सिर्फ यहां तक है। और एक लास्ट चीज आपको करनी है कि अपनी वीडियो में से एक स्क्रीनशॉट आपको लेना कहीं से भी। अब आपको आ जाना है Adobe Firefly की वेबसाइट पर, और यहां अपने Gmail से आपको लॉगिन करना है। अब लॉगिन करने के बाद आपको यहां जनरेटिव फिल का एक ऑप्शन नजर आएगा जिसके ऊपर आप क्लिक करोगे, यहां पर फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। जैसे ही आप अपना स्क्रीनशॉट यहां पर अपलोड करोगे, लेफ्ट साइड में आपको एक ब्रश का ऑप्शन नजर आएगा जिसको आप इंसर्ट जब करोगे, पेंट सा करोगे, जहां पर भी आपको कुछ चाहिए, पेंटिंग चाहिए, ड्रॉइंग चाहिए, कुछ भी आपको चाहिए, वहां पर आप इस ब्रश को चला दोगे और यहाँ पर कुछ इस तरीके का बैकग्राउंड आपको लगेगा कि मिट गया। अब इसके नीचे आना है, यहाँ पे टाइप का ये जो ऑप्शन है, यहाँ पर आपको सिर्फ लिखना है जो भी चीज आपको चाहिए, चाहे घड़ी चाहिए, पेंटिंग चाहिए, लाइट चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो आप लिख सकते हो। 5 से 10 सेकंड लगेंगे और आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, चारों में से जो आपको अच्छा लगता है वो आप यूज कर सकते हो, चारों भी यूज कर सकते हो। और अगर आपको और ऑप्शन देखने तो आप मोर सजेशन में भी जाके देख सकते हो। अब जो भी फोटो आपको पसंद आई है आप सिंपली उस फोटो को डाउनलोड कर लो। साल के एंड तक 1 लाख सब्सक्राइबर्स हिट करने का मेरा पूरा टारगेट है, और आपके जितने भी सवाल होते हैं उनके ऊपर हम 100 वीडियोस बना रहे हैं शॉर्ट्स की। तो आपके कोई भी सवाल हो वीडियो से रिलेटेड, एडिटिंग से रिलेटेड, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आके आपको क्या करना है, जहां पर भी आपकी वीडियो है उस लेयर के नीचे वाली लेयर पे आपको अपनी ये फोटो को रख देना है, और आपका जो बैकग्राउंड है इस तरीके से बन के आ जाएगा। अब आप 4 फोटोज लगाओगे तो बैकग्राउंड आपका चेंज होता रहेगा, जैसे जो फोटोज चेंज होती है वो इसी तरीके से होती है एआई की मदद से। अब मान लो कि आपने एक वीडियो बनानी है जो आपको इंस्टा की रील्स पर भी डालनी है और यूट्यूब पर लॉन्ग फॉर्मेट में डालनी है, तो उसको 2 बार शूट करने की जरूरत नहीं है, 2 बार एडिट भी करने की जरूरत नहीं है, एआई की मदद से ही हो जाएगा, वो भी मैं बता देता हूँ। अब आपको सिर्फ वीडियो को एक ही बार बनाना है, चाहे रील्स के लिए बनाओ चाहे यूट्यूब वाली बनाओ, वहां पर आप जनरेटिव फिल के अंदर आके आप अपनी जो स्क्रीनशॉट है उसको पेस्ट करो, और उसके बाद बैकग्राउंड को जनरेटिव फिल की मदद से चौड़ा भी कर सकते हो, यानी कि यूट्यूब के फॉर्मेट में बना सकते हो जैसा हमने स्टार्टिंग में सिखाया है। इसकी वजह से आपका बहुत टाइम बच जाएगा, आपको 2-2 बार वीडियो शूट और एडिट नहीं करनी पड़ेगी।